तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे जातीय मान और स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सबसे पढ़ेंगे हम जातीय मान। जातीय मान क्या होता है इसको देखेंगे हम, जिसको बोलते हैं हम लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू ये क्या होती है? संख्या का वह मान, संख्या का वह मान या वैल्यू जो हर किसी भी स्थान पर या किसी भी प्लेस पर, किसी भी स्थान पर वही रहता है जो उसका मान है, जो उसका मान है। आइए उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण 378 है मान लो हमारे पास संख्या। तो 378 में तीन का जातीय मान क्या होगा? तीन का जातीय मान तीन ही होगा, क्योंकि तीन हमेशा तीन ही रहेगा। और सात का जातीय मान क्या होगा? सात का जातीय मान रहेगा सात ही रहेगा। फिर आठ का जातीय मान क्या रहेगा? आठ ही रहेगा। यानी जातीय मान वह मान है जो किसी भी संख्या के स्थान पर निर्भर नहीं करता, वो उसकी फिक्स वैल्यू है जो वही रहेगी हमेशा। ओके, अब आते हैं हम स्थानीय मान पे। तो स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या का वह मान, किसी संख्या का वह मान जो अंकों के स्थान के अनुसार अनुसार परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। यानी उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण यही संख्या को लेते हैं हम 378। 378 में तीन का स्थानीय मान क्या आएगा? स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू क्या आएगा? तीन कौन से नंबर पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1, 10, 100। 100 पे है तो 3 में 100, यानी 3 का 3 में 100 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 300। तो इसमें तीन की स्थानीय मान क्या हो गया? 300। ओके, अब सात का स्थानीय मान क्या होगा? सात कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई, यानी 10 पे। तो सात लिखेंगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 70। और वैसे ही आठ, आठ कौन से स्थान पर है? आठ है इकाई के स्थान पर, और इकाई का क्या होता है? 1। तो 8 × 1 इज इक्वल टू 8। ये होते हैं स्थानीय मान और जातीय मान, यानी लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। और आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। नंबर 1, 1886 व 1263 के स्थानीय मान कमेंट करिए। ओके।